बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ स्टडी टिप्स, जो कि छुपे हुए राज हैं लाइक बच्चों के, जो कि आपके साथ उन्होंने कभी शेयर ही नहीं किए होते। और आप भी उन चीज़ों को, उन टिप्स को फॉलो करके आप भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और 99% रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले स्टडी की प्लानिंग करनी होती है। स्टडी की प्लानिंग से ही तो सब कुछ होता है। स्टडी की प्लानिंग करें कैसे, तो उसका तरीका आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम स्टडी की प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो टिप्स बताऊंगी मैं आज आप लोगों को कि जो लाइक स्टूडेंट्स आपसे छुपा के रखते हैं और आपको अगर पता भी हो तो आप उन पर यकीन नहीं करते। आज मैं आपको स्टडी की वही टिप्स बताऊंगी जो आप फॉलो करके 99% रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो तब, वरना नहीं। इसके लिए आपको हिम्मत की ज़रूरत होगी और अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप के साथ चैलेंज करना आप सीखें, ठीक है। तो सबसे पहला टिप चुनता है वो हम शुरू करते हैं। आप लोगों का सबसे पहला सवाल, हाउ टू स्टार्ट, सबसे पहला सवाल कि हम शुरू कैसे करें स्टडी। तो स्टडी को शुरू करने एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग अपनी किताब लेके बैठें। आप लोग ये समझें कि हमने एक खेल खेलना है, और जब तक आप खेल को शुरू नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है कि जो हमें खेलनी है या हमें करनी है। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करना है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। अपने आप को बताएं, ओनली 10 मिनट्स वी रीड एंड वी जस्ट सी द लेसन। यानी हमने सिर्फ अपने दिमाग को समझाना है कि आप पढ़ो। आपका दिमाग जब बैठेगा 10 मिनट पढ़ने के लिए, जब आपका दिमाग 10 मिनट के लिए बैठेगा तो उसे उठाने जाएगा, वो पूरे डिटेल मांगेगा कि इसकी डिटेल क्या है, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो इसकी डिटेल क्या है, ठीक है। तो आप 1 घंटा ज़रूर पढ़ पाओगे, या आधा घंटा, चले आधा घंटा नहीं 20 मिनट आप ज़रूर बैठ जाएंगे और उस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पे आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जो टॉपिक दिए गए होते हैं उनके ऊपर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि इस टॉपिक पे क्या चीज़ बेस कर रही है, इसकी बेस क्या है इस टॉपिक की, और उसके बारे में आपने मालूमात हासिल करनी है। और पेपर में अगर उसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक ही सवाल को एक ही टॉपिक के अंदर से वो बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज याद करना है, फिर सोल्व पेपर लास्ट 10 ईयर्स के। एक ही जो पेपर होता है वो एक ही जो क्वेश्चन होता है, एक ही सवाल वो हर पेपर में रिपीट होता है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीके से रिपीट होता है। तो आपने क्या करना है, सोल्व करने हैं पेपर। आपने पास्ट पेपर्स 10 साल के, उन्हें आपने देखना है और उन्हें पढ़ना है। आपने चैप्टर निकालना है, जो चैप्टर आप निकाल रहे हैं आपने सोल्व पेपर देखना है, और फिर उसके मुताबिक आपने एक टॉपिक से क्वेश्चन निकालने हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस बना लेने हैं अपने माइंड में, और फिर उसको समझना है और याद करना है। यानी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसका आपने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है इन टिप्स का, तो फिर आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। टॉपर्स यही यूज़ करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, वो आपके सामने बजाय तो कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन छुपा हुआ राज उनका यही होता है। तो एक ये स्टडी फॉर 8 आवर्स, 8 घंटों की स्टडी करनी है आपने, लेकिन स्टडी 8 घंटों की एक साथ लगातार नहीं करनी। आपने एक तरीके से करनी है, एक पैटर्न से करनी है। वो पैटर्न ये है कि आपने स्कूल लाइफ के लिए तो 8 आवर्स सही हैं, लेकिन 8 आवर्स में हर आवर में यानी हर घंटे में आपको 10 से 15 मिनट का रेस्ट ज़रूरी है, ताकि आपका दिमाग फ्रेश हो जाए, आपका माइंड फ्रेश हो जाए और वो नेक्स्ट सब्जेक्ट करने के लिए प्रिपेयर हो जाए, वो तैयार हो जाए कि अब हमने नेक्स्ट चैप्टर करना है या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग इससे अबव या फिर आप पेपर्स के दिनों में याद कर रहे हैं, तो आपको 8 घंटे से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको आपने हर 2 घंटे के बाद आधा घंटा रेस्ट लेनी है। लेकिन उन 2 घंटों में भी आपने लगातार नहीं पढ़ना, आपका दिमाग, आपका माइंड इस चीज़ को नहीं मानता कि आप ज़्यादा देर पढ़ें।
लेकिन जब आप पढ़ने बैठ जाते हैं तो आपका माइंड उसकी डिटेल मांगता है, जो चीज़ आप पढ़ रहे होते हैं उसकी डिटेल मांगता है कि उस टॉपिक के अंदर क्या है। आपने अपने माइंड को बताना है कि सिर्फ यही तो है, सिर्फ ये आखिरी टॉपिक है, आपने ये पढ़ना है। और अवॉइड डिप्रेशन, जस्ट रिलैक्स। आपने अवॉइड करना डिप्रेशन को, डिप्रेशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना कि जी इतने दिन रह गए हैं, हमारा पेपर कैसे हल होगा, जी अभी टेस्ट होने वाले, ये होगा वो होगा, तो परेशान नहीं होना। आपने रिलैक्स रहना है, अपने माइंड को बताना है नहीं, अभी आप कुछ कर सकते हैं। आप 30 डेज में यानी 1 मंथ में अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और ख़ास करके 9th-10th के स्टूडेंट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि 9th-10th के जो मार्क्स होते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है, उसी के बेस पे आपकी आगे आने वाली जो स्टडीज़ होती हैं, उनकी बेस आपकी 9th-10th की क्लास के रिजल्ट होता है। तो इसलिए अपने आप को आपने रिलैक्स रखना है। और स्टडी के लिए जो टिप्स मैंने आज आपको बताए हैं वो आपने फॉलो करने हैं, और आगे जो बता रही हूँ उनको भी फॉलो करना है। तो डिप्रेशन नहीं लेना, अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है। अब ये ना हो कि आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएं और डिप्रेशन लेना ही छोड़ दें, हल्का सा लेना है ताकि आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे हो जाएं, आप लोगों का पेपर अच्छा आए। जो टिप्स अभी मैंने आपको बताए हैं यार, ये हिडन टिप्स हैं स्टूडेंट्स, टॉपर स्टूडेंट्स के, ओके? तो इन्हें आपने फॉलो करना है, देन यू गेट गुड मार्क्स एंड देन यू अचीव योर गोल, ओके? लास्ट पे आ जाता है कि हमारा गोल, हमने ये देखा है कि हमारा गोल क्या है, हम क्या चीज अचीव करना चाहते हैं। आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, आप कुछ बनने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर आप अपने वालदैन की ख्वाहिश के लिए पढ़ रहे हैं, उनको कुछ बन के दिखाना चाहते हैं। आपके गोल के पीछे किसी का हाथ होता है, कोई आपसे कुछ उम्मीद लगा के बैठा होता है, तो फिर आपको उस गोल को अचीव करना है। अगर आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आपने ये सारे टिप्स फॉलो कर लिए तो 100% रिजल्ट आपके सामने होगा, लेकिन नहीं किए तो फिर काम खराब हो जाएगा और फिर आप बाद में पछताएंगे। फिर बाद में आपके लिए यही कहावत होगी कि अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अपने आप को कंपटीशन करें, कंपटीशन विद योरसेल्फ, अपने आप के साथ कंपटीशन करें, अपने आप को चैलेंज करें। जब अपने आप के साथ मुकाबला करेंगे तो आपका दिल और चाहेगा कि हम अपना गोल अचीव करें, जो हमारा मकसद है हम उसे पूरा करने के लिए हर हद तक जाएं। तो आपने अपना मकसद पूरा करना है और अपने आप के साथ कंपटीशन करना है, तो फिर आप देखिएगा कि कैसे आप इतने अच्छे मार्क्स ले सकते। तो आप अपने रूम में इस जो मैंने अभी आपको टिप्स बताए हैं, इनको आप अपने रूम में चार्ट पे बना के पेस्ट करें, और फिर जैसे ही आप स्टडी रूम में जाएंगे तो आपके सामने ये चार्ट आएगा और आपका माइंड फिर से आपको एक मैसेज देगा कि आपका कोई गोल है या फिर आपने कुछ अचीव करना है। तो फिर आपका टाइम टेबल भी सेट रहेगा, और टाइम टेबल सेट ना भी हो तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और 99% रिजल्ट के साथ। बस यही जो टिप्स थे, चीज़ों को फॉलो करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत